तो हाल ही में वन प्लस ने वन प्लस एस को चाइना में लॉन्च कर दिया है और इंडिया में वही फोन वन प्लस 10R के नाम से 28 अप्रैल को आने वाला है। पर कुछ सालों से वन प्लस ने अपने फोन की लॉन्च स्ट्रेटजी शिफ्ट कर दिया है और इस साल और भी ज्यादा चेंजेस देखने को मिला है। तो इस साल 2022 में हमने देखा कि वन प्लस 10 प्रो जनवरी में चाइना में लॉन्च किया गया, पर सेम टाइम हमें वन प्लस 10 की नॉन प्रो मॉडल्स नहीं देखने को मिला। और कुछ महीनों तक ये क्वेश्चन किया जा रहा था कि वन प्लस अपने वन प्लस 10 प्रो की नॉन प्रो मॉडल्स लॉन्च करेगा या नहीं, पर वन प्लस ने इसको लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया। पर रिसेंट लीक से ये पता चला है कि हमें वन प्लस 10 प्रो की नॉन प्रो मॉडल्स कुछ दिन के बाद जरूर देखने को मिलेगा। तो उसी को लेकर आज हम बात करेंगे वन प्लस की अपकमिंग स्मार्टफोन नॉन प्रो मॉडल वन प्लस 10 के बारे में। और अच्छी बात है कि वन प्लस 10 की कुछ लीक स्पेसिफिकेशन भी डिजिट और ऑन लीक्स के तरफ से जारी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं वन प्लस की लीक्ड स्पेसिफिकेशन और साथ ही बात करेंगे कि ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होगी और किस प्राइस में आने वाली है। पर उससे पहले, मेरा नाम है क्रिश और आप देख रहे हो टेकमेंटिक चैनल। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। अगर रूमर्स सही है तो वन प्लस 10 में हमें 6.7 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें LTPO सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी लगी होगी, जो कि एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। मतलब नीड के हिसाब से डिस्प्ले ऑटोमेटिकली 1 से 120 हर्ट्ज पे शिफ्ट कर लेती है। तो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन को छोड़कर वन प्लस 10 की डिस्प्ले फीचर सेम वन प्लस 10 प्रो की तरह होने वाली है। और कुछ माइनर इम्प्रूवमेंट से क्लेम किया गया है कि इसकी डिस्प्ले प्रो मॉडल की डिस्प्ले से ज्यादा पावरफुल हो सकती है और साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जाएगा। डिजाइन पे आए तो अभी के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लीक किया गया है, पर पिछले रूमर के हिंट से ये स्मार्टफोन वन प्लस 9 प्रो जैसे कैमरा डिजाइन और कुछ बहुत रियलमी GT 2 प्रो की तरह डिजाइन देखने को मिल सकता है। और डिजिट और ऑन लीक्स के पब्लिश्ड लीक्स के हिसाब से ये कहा गया है कि वन प्लस ने ऑलरेडी वन प्लस 10 की स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 Plus की टेस्टिंग शुरू कर दिया है और साथ ही MediaTek Dimensity 9000 सीरीज वेरिएंट की भी टेस्टिंग चालू कर दिया है। और लीक्स के हिसाब से वन प्लस 10 8GB और 12GB रैम और 128GB और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ अवेलेबल होगी। और साथ ही स्मार्टफोन में Android 12 बेस्ड ऑक्सीजन OS 12 की ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा और उसी के साथ 4800mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि OnePlus या Oppo की लेटेस्ट फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करेगी। इसका मतलब फोन की चार्जिंग स्पीड बहुत ही फास्ट होने वाली है थैंक्स टू इट्स 150W सुपर वूक चार्जिंग। आगे कैमरा की तरफ जाए तो बताया जा रहा है कि रेयर साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 50MP की प्राइमरी सेंसर, 16MP की अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2MP की सेंसर दिया जाएगा, जो कि वन प्लस 10 प्रो की 48, 50 और 8MP की कैमरा से बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। पर सामने की तरफ सेम बट इम्प्रूव्ड 32MP की पंच होल डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और लीक्स के हिसाब से सरप्राइजिंग बात यह है कि वन प्लस की ये पहली फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा जिसमें फिजिकल अलर्ट स्लाइडर स्विच नहीं देखने को मिलेगा। और वन प्लस की एक मेन यूनिक फीचर यही अलर्ट स्लाइडर है, जिससे कि रिंग, वाइब्रेट और साइलेंट में स्विच करने में आसानी होती है। बट सच यही है कि हमें वन प्लस 10 में अलर्ट स्लाइडर नहीं देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 50,000 के अराउंड होगी। और लॉन्च की बात करें तो वन प्लस 10 हमें 2022 की सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक ये स्मार्टफोन डेवलपमेंट स्टेज पे है, पर कुछ 1-2 महीने में हमें वन प्लस की तरफ से ऑफिशियल न्यूज सुनने में आ सकती है। तो और कुछ लीक्स आएगी तो आपको इसी चैनल में सभी डिटेल्स मिल जाएगी। सो फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पे।